और शौक नवाबों वाले। घर में, क्लब में, पार्टी में लोगों को विस्की पीते हुए बहुत बार देखा होगा, लेकिन क्या कभी किसी भैंसे को विस्की के मजे लेते हुए देखा है? हरियाणा का एक भैंसा ऐसा है जिसके ठाट किसी नवाब से कम नहीं। ये है हरियाणा का सबसे महंगा भैंसा सुल्तान। सबसे महंगा इसलिए क्योंकि सुल्तान की कीमत 21 करोड़ रुपए है और ये विस्की पीकर अपनी शामें रंगीन करता है। चौंकिए मत, हम बिल्कुल सच कह रहे हैं। 6 फिट की हाइट और 1 टन के वजन वाला सुल्तान अब तक कई प्रतियोगिताएं जीत चुका है। साथ ही इसका मालिक हर साल इसका स्पर्म बेचकर 1 करोड़ रुपए कमाता है। इस भैंसा को हर रोज अलग अलग ब्रांड का स्कॉच दिया जाता है। भैंसा का मंगलवार को ड्राई डे होता है, यानी कि इस दिन वह शराब नहीं पीता है। रविवार को टीचर्स, सोमवार को ब्लैक डॉग, बुधवार को 100 पाइपर, गुरुवार को वैलेंटाइन, शनिवार को ब्लैक लेबल या शिवास रिगल पीता है। इस भैंसा के मालिक राम नरेश बेनीवाल बूढ़ाखेड़ा गांव में रहते हैं। उन्होंने बताया कि सुल्तान का वजन 1700 किलो है। यह भैंसा सुल्तान मुर्राह नस्ल का है। सुल्तान 6 फिट से ज़्यादा ऊँचा है। उनका दावा है कि यह भैंसा दुनिया में सबसे ऊंचा है। भारत में हुए कई एनिमल कॉन्टेस्ट में सुल्तान विनर रह चुका है। इस नस्ल के उनके पास 17-18 भैंसे हैं। पिछले साल राजस्थान में लगने वाले पुष्कर मेले में एक विदेशी ने सुल्तान भैंसा की कीमत 21 करोड़ रुपए लगाई थी, लेकिन राम नरेश ने इसे बेचने से मना कर दिया था। उनका कहना है कि वे इस भैंसा को अपने बेटे की तरह पालते हैं, इसलिए वे इसे नहीं बेच सकते हैं। राम नरेश का दावा है कि सुल्तान भैंसा हर महीने 3,90,000 रुपए कमाता है। सुल्तान साल भर में 30,000 सीमेन की डोज देता है, जो 300 रुपए प्रति डोज बिकती है। सुल्तान से सप्ताह में 2 बार सीमेन निकाला जाता है। इस हिसाब से वह सालाना 90,00,000 रुपए कमाकर अपने मालिक को दे देता है। इसके अलावा विभिन्न प्रतियोगिताओं में इनाम स्वरूप भी काफ़ी रुपए कमाता है। उन्होंने बताया कि 5 साल पहले रोहतक से 2,40,000 में खरीदा था। भैंसा सुल्तान को रोजाना 10 किलो दाना और इतना ही दूध दिया जाता है। रोजाना करीब 35 किलो हरा और सूखा चारा दिया जाता है। सुल्तान सेब और गाजर भी खाता है। सर्दियों में 15 किलो सेब और गर्मियों में 20 किलो गाजर खिलाया जाता है। उनका कहना है कि यह भैंसा रोजाना करीब 2500 रुपए का चारा खा जाता है।